जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शुक्रवार को एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें आयोग के बारे में जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी उसी के बारे में जानकारी दी गई। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद सलीम खान भोपाल से जबलपुर उपस्थित हुए और जबलपुर एसपी एवं ओमती टीआई को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदाधिकारियों के संबंध में जानकारी दी गई। जो भी नियुक्तियां हुई हैं वह राष्ट्रीय कार्यालय वेस्ट बंगाल से नियुक्त की गई हैं। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा किसी भी प्रकार से आयोग शब्द का दुरुपयोग नहीं किया गया। इस बैठक में प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद सलीम खान, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, जनरल सेक्रेटरी के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो हम लोग यहाँ पर बैठे थे, आज शिकायत हुई थी हम लोगों की, ये हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कथित व्यक्ति के द्वारा जो शिकायत की गई थी राज आयोग में, कि ये फर्जी संस्था, तो यहाँ पे जो जांच चल रही थी उसमें हम लोगों ने जो बैलेट पेपर है हम लोगों के जो जज उस पर है, नेट पे है, तो वो लोग सर्च मार के तो देखे नहीं जिसने भी शिकायत की, या तो फिर उनकी जानकारी में नहीं थी या अज्ञानता के कारण जो शिकायत किए हैं वो, जो भी जैसा है, तो हम लोगों ने जो उसमें जो पेपर थे वो पेपर एसपी साहब, कलेक्टर साहब और यहाँ थाने में दे दिए हैं। अब उनका काम है जांच करने का, और जो जब सही पेपर है वो पहुँचा दिए हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यह आयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका गठन बहुत पुराना है और हमारे भारतवर्ष में भी इस अंतर्राष्ट्रीय आयोग को समर्थन दिया गया है। नीति आयोग द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है और रजिस्टर्ड संस्था है ये। हमारे जबलपुर के जितने भी पदाधिकारी हैं सबकी नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की जो चर्चा थी और उसका परीक्षण चल रहा है, सत्य सामने आएगा और जो इनके उद्देश्य हैं, मूल उद्देश्य हैं, सामाजिक हित में, देश के हित में, राज्य के स्तर में के हित में जो कार्य किए जाएंगे वो सभी आप लोगों के सामने आएंगे। समय और परिस्थिति के अनुसार जो सिचुएशन निर्मित हुई है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष खान साहब आए हुए हैं और वो अपने स्तर पर उन्होंने जो जानकारी यहाँ पे चाही गई थी प्रशासन द्वारा उनको दी है। परीक्षण चल रहा है, सत्य कभी छुपता नहीं है, जो सत्य है वो सामने आएगा। धन्यवाद।